आज आप ऐसे व्यक्ति के बारे में जानेंगे जो इतने बड़े पैसिफिक ओशियन में गुम हो गया था, वो भी एक दो दिनों के लिए नहीं, पूरे 438 दिनों के लिए। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ये इतने दिनों तक जिंदा कैसे रहा। इस शख्स का नाम जोस सल्वाडोर अल्वेरेना था। 17 नवंबर 2012 वाले दिन जोस अपने साथी के साथ फिशिंग के लिए निकला, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था। उसी वक्त वहाँ एक खतरनाक तूफान आ गया और इस तूफान के कारण उनका नाव भी खराब हो गया। दूसरी तरफ तेज हवाओं ने उन्हें दूर समुन्द्र के गहराई में लेकर चला गया, जहाँ से वापस आने का हर उम्मीद अब खत्म होने लगा था। जो खाना पीना वो साथ लाए तो भी खत्म होने लगा था। इसीलिए पेट भरने के लिए उन्होंने परिंदों और मछलियों को पकड़ना शुरू कर दिया। समंदर का खारा पानी पीने से इंसानों की मौत हो सकती है, इसी वजह से उन्होंने बारिश का पानी जमा कर पीना शुरू कर दिया। दिन गुजरते गए और फिर महीने। 11 महीनों बाद जोस अपने छोटी सी बोट पर 18,000 किलोमीटर ट्रेवल कर चुका था। उसके कपड़े भी फट चुके थे। आखिरकार वो घड़ी आ ही गई जब किस्मत जोस पे मेहरबान हो गई। 30 जनवरी 2014 को यानी